सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे थे इस समय पृष्ठ रसायन, और आज हम इसके दूसरे भाग की बात करने वाले हैं, यानी कोलाइड की। यानी आज चलेगा कोलाइड का लेक्चर क्लास। कोलाइड के लेक्चर क्लास को शुरू करने से पहले आज की ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ प्रज्ञा मेधा सारकर। एक बच्ची का नाम आपने सुना होगा जो इस समय काफ़ी लता मंगेशकर और एक महाभारत का टाइटल सॉन्ग गाकर फेमस हुई है। फेमस तो इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा उस बच्ची का। कुछ होते हैं ऐसी बच्चियाँ जो 2.5-3 साल की बच्ची है, जो बॉर्न ब्रिलियंट होते हैं, टैलेंट लेके पैदा होते हैं। और जरूरी नहीं कि टैलेंट, कभी कभी क्या होता है कि टैलेंट तो उनके पास होता है लेकिन उनकी फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती। मैं देख रहा हूँ बच्ची के मम्मी जो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं, उन्हें उनके टैलेंट के मुताबिक ही अभी से ही जो है डायरेक्शन देना शुरू कर दी हैं। देखिए आप, मैं उनके उनका जो चैनल है उनका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर वहाँ विजिट करें और बच्ची के टैलेंट को देखें। और टैलेंट अगर अच्छा लगे तो उनको जाके आप सब्सक्राइब करें, उनके वीडियो को जो है सपोर्ट करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब 2.5-3 साल की बच्ची इतना अच्छा बेहतरीन गाना गा रही है, लेकिन उसका जो चैनल है और उस पर करीब 2000 सब्सक्राइबर ही हैं। और ये फेमस हुए थे करीब जो है मुझे लगता है आज से 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने में लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उस बच्ची का और उसको हम जब देख रहे हैं चैनल पर, उनके गानों को जो है कई लोग अपने चैनल पर लगाए हुए हैं। स्पेशली मैं खुद भी लगाया हूँ, आप देख रहे होंगे कि एक महाभारत टाइटल सॉन्ग आपने जल्दी देखा। मैं तो इम्प्रेस में आके देखा था, क्योंकि मैं खोज कर रहा था कि एक्चुअली में ये बच्ची है कौन। लेकिन फिर जैसे खोजते खोजते जब हम उस चैनल पर गए, जब हमें सारी बातें पता चली, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब इतने फेमस होने के बावजूद भी अभी 2000 सब्सक्राइबर ही पहुँचे। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम टैलेंट को समझते हैं, परखते हैं, तो उन्हें क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। और अगर हमें लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट की कद्र भी होनी चाहिए। तो ये आज की मेरी जो स्पेशल ये वीडियो है, ये प्रज्ञा मेधा सारकर जो एक बंगाली बच्ची है, बंगाली भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है, बंगाली में भी गाना गाती है और हिंदी में भी, उनकी मम्मी उनका सपोर्ट करती है, उनको सिखाती है, लेकिन आवाज़ बहुत गजब आवाज़ है। 3 साल की बच्ची और क्या चाहिए। तो खैर, ये तो था जो है उनका इस वीडियो को उनको डेडिकेट करता हुआ। अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास जो है ये पृष्ठ रसायन पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि पहला पार्ट हम अधिशोषण पढ़ते हैं, एडसॉर्बेशन पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट की यानी कोलाइड के बारे में। और आज की हमारी क्लास चलेगी लेक्चर क्लास, पहले हम देखेंगे इस कोलाइड में कितने कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो कोलाइड पढ़ने के लिए, और कोलाइड के बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस की। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, कोलाइड पे। तो कोलाइड का जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किसने किया था, तो इसका इस्तेमाल किया था थॉमस ग्रहम। इनके बारे में अगर हम डिटेल लें, इनकी बायोग्राफी में अगर थोड़ा सा जाएं, तो इनके पिताजी जो है इनको मतलब चर्च में शायद फादर बनाने के पर्पज से इनको रखे थे, लेकिन इनका भी अपना एक अलग ही टैलेंट, इन्होंने साइंस की तरफ रुख किया और साइंस में वो उपलब्धि हासिल की जो जनरली आज लोग नहीं कर पाते। तो यही होता है कि इनके अंदर देखिए टैलेंट था, इन्होंने साइंस को एक्सेप्ट किया। इनके पिताजी इनको चर्च की तरफ मोड़ना चाहते थे, इन्हें जो है आस्तिक बनाना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये नास्तिक थे, ये आस्तिक थे, इन्होंने साइंस में रह के भी बहुत सारी था। हाँ, ये वही थॉमस ग्रहम हैं जिनको आपने 11th में पढ़ा होगा, गैसेस स्टेट में,
मतलब गैसीय अवस्था में एक नियम आपने पढ़ा होगा, ग्राहम का नियम, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि गैसों की जो विसरण दर होती है वो इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट डी के बराबर होती है, यानी उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी। तो ये वही हैं जिन्होंने जो है गैसेस स्टेट में एक नियम दिया था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मिश्रण के ऊपर, यानी मिक्सचर के ऊपर। ग्राहम बेल किसके ऊपर कर रहे थे एक्सपेरिमेंट? मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण के ऊपर। तो मिश्रण में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे दो अलग अलग, देखिए मिश्रण या फिर हम कहें कि बिलियन, बिलियन के ऊपर ये जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इसमें इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग पदार्थों को, जैसे बिलियन हम जानते हैं बिले और विलायक, तो अलग अलग बिले और विलायकों को आपस में मिलाकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जांच कर रहे थे उनके गुणों के बारे में, उनके क्वालिटी के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि पहले एक पदार्थ लिया और उस पदार्थ को किसी लिक्विड में उन्होंने घोला, उस घोलने के बाद मतलब समान मात्रा, एक लिक्विड की भी समान मात्रा, जैसे हमारे पास एक लिक्विड वन है, ये हमारा लिक्विड वन है, और एक पात्र में हमारा लिक्विड टू रखा है और एक पात्र में हमारा लिक्विड थ्री रखा है। ये देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि अगर ये हमारा लिक्विड है, कोई भी द्रव है, और ये द्रव इसमें भी 100 ml है, इसमें भी 100 ml है, और इसमें भी 100 ml है। बस फर्क क्या है कि ये 100-100 ml के जो भी लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, लिक्विड L1 है, ये लिक्विड L2 है, ये लिक्विड L3 है, तीनों ही अलग अलग लिक्विड है। तो ग्राहम, थॉमस ग्राहम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हम उसके बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ग्राहम, उन्होंने क्या किया कि एक अपना जो है ले लिया, क्या मिश्रण ले लिया, मतलब मिश्रण क्या कहें, पाउडर ले लिया, हम मानते हैं कि एक पाउडर उन्होंने पाउडर ले लिया। पाउडर किसी भी तरीके का हो सकता है, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, हम NaCl का पाउडर भी एज्यूम कर सकते हैं, हम जो है आटा भी एज्यूम कर सकते हैं, तो जो भी आप, उन्होंने अपने हिसाब से एक पाउडर लिया, और उस पाउडर के जैसे मैं अगर कहूँ कि 20 ग्राम को या फिर 50 ग्राम को, ठीक है 50 ग्राम को उन्होंने इस L1 में डाला, फिर L2 में भी डाला, फिर L3 में भी डाला, और एक्सपेरिमेंटली देखिए उन्होंने क्या पाया कि जब ये 50 ग्राम L1 में गया तो ये पूरी तरह से जो है 50 ग्राम या 5 ग्राम जो भी तरीके से हम ले सकते हैं, 5 ग्राम में लेके जाऊँ, 50 ग्राम बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो 5 ग्राम जब इन्होंने L1 में डाला तो इसका जो रिजल्ट मिला, इसका देखिए रिजल्ट क्या मिला कि ये 5 ग्राम उस 100 ग्राम में पूरी तरह से क्या हो गए, मिश्रित हो गए, मिश्रित हो गए, यानी कि इन्होंने क्या बना लिया, बिलियन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, पूरी तरीके से जो है मिल गए। अब पूरी तरीके से मिल गया यानी ये पाउडर जिसका एक अस्तित्व था, जैसे NaCl का एक अपना अस्तित्व था, जिसे हमने जल में डुबोया तो जल में जाने के बाद वो उसी में खो गया, उसी में विलीन हो गया, उसी में घुल गया, और घुलने के बाद खो गया। खो गया का मतलब ये हुआ कि अब हम उसे वापस उस तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते थे, उसको वापस प्राप्त करने के लिए हमें पूरे जल को सुखाना पड़ेगा, एक तो ये केस आया। फिर इन्होंने देखा कि इसी पाउडर की जो भी मात्रा थी, इस पाउडर को उन्होंने लिक्विड L2 में डाला, L2 में जब इन्होंने डाला तो इनको ऐसा मिश्रण प्राप्त हुआ जैसे जेल, या फिर मैं कहूँ मधु, मधु होता ना जैसे गाढ़ा टाइप का, या फिर हम किसकी तरह ग्लू, ग्लू टाइप का, तो उन्होंने जो है एकदम ग्लू टाइप का एक मिश्रण प्राप्त किया। तो ठीक है, समझ में आया। अब इन्होंने फिर ये इसी सेम पाउडर की सेम मात्रा को उन्होंने L3 में डाला, L3 में जब इन्होंने डाला तो इन्होंने देखा क्या कि L3 में जाने के बाद वो घुल ही नहीं रहा है, मतलब जैसे पानी में रेत डाल दिया जाए तो रेत नहीं घुलता ना, उसी तरीके से ये सेम पाउडर उस L3 के सेम क्वांटिटी में लिक्विड घुल नहीं रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने तीन प्रकार के इस मिक्सचर के एक्सपेरिमेंट से तीन प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए, जिसमें एक तो पूरी तरह से घुल गया, एक जो ग्लू का निर्माण किया जैसे गोंद का, गोंद नहीं होता जैसे गोंद या फिर हम मधु कहें, उसकी तरह से प्राप्त हुआ, बना हुआ दिखा उन्होंने, और तीसरा उन्होंने प्राप्त किया जैसे उसमें से मिश्रित ही नहीं हुआ। तो इस अलग अलग एक्सपेरिमेंट केस में उन्होंने नाम दिया
ये जो हमारा पूरी तरह से घुल जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं वास्तविक विलयन। हिंदी में क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। ये एक्सपेरिमेंट था थॉमस ग्राहम का। फिर उन्होंने देखा जो ग्लू का निर्माण कर दिया, क्योंकि उस समय तो कोलाइड का वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया, तो जो कोलाइड में जो कोला वर्ड है, यानी ये जो कोला कोला वर्ड है, तो इस कोला का इंग्लिश मीनिंग अगर हम ले तो ये ग्लू होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ग्लू जैसा बनना, यानी कि ग्लू, तो ग्लू एक इंग्लिश वर्ड है जिसका रियल मीनिंग शायद गोंद हो सकता है। तो ग्लू को जो है कोला कहते थे, तो कोला एक वर्ड आ गया हमारा जो है लैटिन भाषा का, तो कोला, तो कोला से, और आइड्स मतलब होगा जैसा, के जैसा। तो जब उन्होंने देखा था थॉमस ग्राहम ने कि एक हमारा ग्लू के जैसा बिलियन प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? कोलाइड नाम रख दिया, कोलाइड्स। तो इन्होंने कोलाइड्स से नाम रख दिया। और जो थर्ड आया था हमारा, इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? जैसे इसका नाम इन्होंने एक तरीके से इसको हम हिंदी में कहेंगे निष्पन्न, निष्पन्न, या फिर हम क्या कहेंगे, मतलब बृहद आकार के अणु का तीसरा कैटेगरी आया था, जिसमें हम इसे कह सकते हैं सस्पेंस सॉल्यूशन। सस्पेंस सॉल्यूशन, इसकी हिंदी मुझे नहीं आ रही है, सॉल्यूशन इसको नीलंबन, हाँ, याद आ गया, नीलंबन इसका नाम आएगा, नीलंबन हिंदी। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइड सॉल्यूशन और एक सस्पेंस सॉल्यूशन। सस्पेंस सॉल्यूशन मतलब कि इसके कणों के आकार इतने बड़े थे कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कोलाइड में क्या था कि घुल तो गया था लेकिन हमें लग रहा था जैसे गाढ़ापन। और तीसरा, जिसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब कि वो पाउडर मिलाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो एक एनसीईआरटी में हमारे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल निकल के सामने आता है कि एनएसीएल को जब लिक्विड जल के साथ मिलाया जाता है, तो पूरी तरीके से एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि वास्तविक विलयन बनता है। इसी एनएसीएल को जब बेंजीन लिक्विड के साथ मिलाया जाता है, बेंजीन लिक्विड के साथ मिलाया जाता है, तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? कोलाइड प्राप्त होता है, यानी कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। लेकिन इसी एनएसीएल को यदि हम पेट्रोल के साथ मिलाएं, पेट्रोल या फिर हम कहें मिट्टी का तेल, केरोसिन के साथ मिलाएं, या फिर हम कहें कि सरसों का तेल ऑयल के साथ मिलाएं, तो ये ऑयल के साथ मिलाने पर सस्पेंस सस्पेंस सॉल्यूशन बनाता है, यानी क्या? निलंबन बनाता है। सॉल्यूशन बनाता है यानी निलंबन बनाता है। तो ये तीन कैटेगरी हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि ये था हमारा जो है थॉमस ग्राहम का एक्सपेरिमेंट। अब इन तीनों कैटेगरी में उन्होंने और भी जो है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, किसने? थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्रहम ने किसके किसके बारे में? विलयन के बारे में, यानी वास्तविक विलयन, वही विलयन जिसे हमने विलयन वाले चैप्टर में पढ़ लिया, ये उस विलयन की बात हो रही है। दूसरा था हमारा कोलाइड, कोलाइड, और तीसरे का नाम अभी हमने बताया आपको, नीलंबन। तो नीलंबन इस तरीके की इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया साइज क्या था, यानी आकार, किसका आकार? कड़ों का आकार, कड़ों का आकार, इन्होंने कड़ों का आकार इसके आधार पर बताया। तो इन्होंने बताया कि बिलियन वो होगा जिसमें उनके अणुओं के कड़ों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, 1 नैनोमीटर से क्या होगा? कम होगा, इसको उन्होंने बताया था। कोलाइड का उन्होंने बताया जिसके कड़ों का आकार 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, यानी 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, उन्होंने बताया उसका कोलाइड का आकार होगा। और वह ऐसे बिलियन जिनमें 100 नैनोमीटर से भी अधिक
अगर कणों का आकार है तो उसे हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे, इस तरीके की कहते हैं। ये बताएं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच यहाँ पे ये भी होता है। तो एक और हम ये कह सकते हैं भाई, 50 एंगस्ट्रॉम से कम अगर आकार है तो वो विलयन है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो कोलाइड है, और 2000 एंगस्ट्रॉम से अगर अधिक है तो क्या है, निलंबन है। आप इसे जो है देख भी सकते हैं, 50 एंगस्ट्रॉम यानी 5 नैनोमीटर के बराबर लगभग होगा, और 2000 एंगस्ट्रॉम यानी 200 नैनोमीटर के बराबर होगा। यानी 5, और देखिए 5 का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे 10 की घात इतने ज़्यादा है, 10 की घात चाहे -9 कह लें नैनोमीटर के हिसाब से, चाहे एंगस्ट्रॉम के हिसाब से 10^-10, तो इसमें 1, 2, 5 का गुणा कोई तात्पर्य नहीं रखता। मैं यहाँ पे इसलिए अलग अलग केसेस आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी आपके अलग अलग बुकों में अलग अलग जो है साइज बताई गई है। तो नैनोमीटर के हिसाब से हमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर मिलता है, एंगस्ट्रॉम के हिसाब से 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक मिलता है, और अगर सेंटीमीटर के हिसाब से कहता है तो 10^-4 सेंटीमीटर से 10^-7 सेंटीमीटर जितना जो है मिलता है। अब यहाँ पे 10^-7 कम होगा, तो 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-4 सेंटीमीटर का रेंज जिसका होगा वो कोलाइड होगा, 10^-7 सेंटीमीटर से कम जिसका होगा वो कैसा होगा, विलयन होगा, और निलंबन के लिए कौन सा केस आएगा, 10^-4 सेंटीमीटर से अधिक अगर जिसका जो है साइज होगा वो क्या कहलाएगा, अपना जो है निलंबन कहलाएगा। ठीक है, ये तो था हो गया अब इस तरीके का। अगर हम इसकी बात करें कि इसका मिश्रण एक्चुअली में मिक्सचर कैसा होता है, यानी मिक्सचर इसका कैसा लगता है, मिक्सचर लाइक मतलब किस तरीके का दिखता है, तो हम अगर इसे कहेंगे तो ये जो विलयन होता है ये समांगी कैटेगरी में आता है, यानी समांगी मिश्रण दर्शाता है। कौन सा मिश्रण दर्शाता है, समांगी मिश्रण। कोलाइड निलंबन अपना कौन सा आता है, विषमांगी मिश्रण में आता है, विषमांगी मिश्रण। यानी मैंने अभी आपको बताया था, ये भूलता तो है नहीं, समांगी मिश्रण के बारे में मैंने विलयन में बहुत अच्छे से डिटेल दे रखा हुआ, जो आसानी से घुल जाए तो विलयन तो आसानी से घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है तो समांगी मिश्रण हो गया। निलंबन के बारे में अभी हमने बताया कि विषमांगी मिश्रण में आएगा, क्योंकि उसको पाउडर को जब हम उस लिक्विड में डालेंगे तो घुलेगा ही नहीं, घुलेगा नहीं तो कैसा बनाएगा, विषमांगी मिश्रण। लेकिन कोलाइड के लिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अब सवाल उठता है कि समांगी मिश्रण जो विलयन है तो इसमें जो दो पदार्थ पाए जाते हैं उसे विलेय और क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि समांगी मिश्रण होने के कारण इसमें जो पदार्थ पाया जाता है वो विलेय और विलायक कहलाता है, लेकिन कोलाइड तो एक विषमांगी मिश्रण है, इसलिए इस कोलाइड में विलेय और विलायक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि परिक्षिपित प्रावस्था, और दूसरे का नाम आता है परिक्षेपण माध्यम। क्या आता है, परिक्षेपण माध्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान रखेंगे, यानी कि मैं इसे अच्छे से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो थॉमस ग्राहम ने आगे क्या बताया था, थॉमस ग्राहम ने बताया कि जो आपका कोलाइड है इसमें जो दो पदार्थ मिलेंगे आपको, दो पदार्थों को आपस में मिला के कोलाइड बनाया जा सकता है, तो एक पदार्थ कहलाएगा परिक्षिपित प्रावस्था और एक पदार्थ आपका कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षेपित प्रावस्था क्या है, यानी वो पाउडर जिस पाउडर को उस लिक्विड में मिलाकर क्या बनाया गया, कोलाइड बनाया गया। तो परिक्षेपित प्रावस्था आप समझ रहे हैं कि जिसके, अब अगर हम एज्यूम करें जैसे कोलाइड का एक रेंज होगा, दो पदार्थों को आपस में घोलकर कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कहां तक पहुंचा देना, 100 नैनोमीटर तक, आपने एक्सेप्ट किया अभी हमने बताया। लेकिन समझिए जरा कि कोलाइड पहले दो अलग अलग पदार्थों का मिश्रण था, मतलब अलग अलग, इन दोनों पदार्थों को आपस में जोड़कर हमने क्या बनाया, कोलाइड बनाया।
तो इसमें क्या हुआ कि एक का जो कणों का आकार था वो किस प्रकार से था, वो निलंबन के आकार का था। कैसा निलंबन? यानी उसमें कणों का आकार बहुत बड़ा था, 100 एंगस्ट्रॉम से भी, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा। और दूसरा जो था वो वास्तविक विलयन, जैसे जल को भी हम विलयन कहते हैं, तो जल अगर हम समझें तो वो कैसा था, विलयन या फिर वास्तविक विलयन या फिर वो विलायक टाइप का था। कैसा था? विलायक टाइप का। अब निलंबन वाले कणों के आकार को जब विलायक में मिलाया गया तो विलायक के कणों का आकार बढ़ गया, क्योंकि इसके तो छोटे छोटे कण थे, बहुत ही सूक्ष्म। भाई हम छन्नी से छान लेते हैं, अब छन्नी में पानी अगर गुजारेंगे, या कपड़े जो सूती कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, अगर उसमें पानी डालेंगे तो आर पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन निलंबन रेत को डालेंगे, पाउडर को डालेंगे, या किसी भी पाउडर को अगर हम डालें तो आर पार नहीं हो सकता। यानी सीधी सी बात है कि निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा है और विलायक के कणों का आकार बहुत छोटा है। अब जब इन दोनों को आपस में मिला के मिश्रण कर ले रहे हैं तो विलायक के कणों का आकार बढ़ जा रहा है और निलंबन के कणों का आकार घट जा रहा है। तो यानी कि इन दोनों के कणों का आकार में जो परिवर्तन हुआ वो अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए तो उसी को हम क्या कह देंगे, कोलाइड कह देंगे। अगर 1 नैनोमीटर से भी कम रह गया तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन कहेंगे। अगर मिलाने के बाद 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा रह गया तो उसे हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। ये आपने अच्छे से समझ लिया। तो इसमें जो विलायक है, जो विलायक की तरह है, यानी जो विलायक की तरह है उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। जो विलायक की तरह है उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और जो विलेय की तरह है, जिसे हमें घोलना है, विलेय की तरह है, उसे हम क्या कहेंगे, परिक्षेपित प्रावस्था कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना होगी। चलिए, आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे प्रॉपर्टी पर बढ़ रहे हैं, यानी अगली प्रॉपर्टी हमने जो विलयन, कोलाइड और निलंबन की बात की। तो विलयन, कोलाइड और निलंबन, यानी इसमें जो हम अगर इसको फिल्टर करें, फिल्टर मतलब जैसा अभी मैंने कहा सूती के कपड़े में फिल्टर करना, तो सूती का कपड़ा एक हम इसे साधारण फिल्टर कह सकते हैं कि साधारण फिल्टर। तो जो विलयन होता है वो साधारण फिल्टर से क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। साधारण फिल्टर जो भी हम बनाएंगे, छोटे छोटे साइज के फिल्टर, उससे वो क्या होता है, विलयन आर पार हो जाता है। लेकिन निलंबन साधारण फिल्टर से, यानी साधारण दो टाइप के फिल्टर होते हैं, एक साधारण फिल्टर, एक अल्ट्रा फिल्टर हम कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर, या फिर इसमें हम कहें कि जो है काफी सूक्ष्म, मतलब काफी बड़े बड़े, मतलब उसके आधार पर। तो दो तरीके के होते हैं। तो विलयन जो होता है वो साधारण फिल्टर से भी चला जाता है और अल्ट्रा फिल्टर से भी आर पार हो जाता है। कोलाइड विलयन कैसा है, कोलाइड विलयन साधारण फिल्टर से नहीं जा पाता, साधारण फिल्टर से नहीं जा पाता, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर से, अल्ट्रा फिल्टर से जिसके साइज बड़े बड़े होंगे उससे क्या हो जाता है, चला जाता है। लेकिन या फिर हम कहें कि साधारण फिल्टर के साइज जो है बड़े बड़े होते हैं और अल्ट्रा फिल्टर के छोटे छोटे होते हैं, तो अल्ट्रा फिल्टर से नहीं जाता। लेकिन निलंबन कैसा है, ये साधारण फिल्टर से भी नहीं जा पाता और अल्ट्रा फिल्टर से भी नहीं जा पाता। ये आप अच्छे से समझ लेंगे कि न तो इससे जाता है न तो उससे। फिर इसके बाद एक आता है अपना अर्ध पारगम झिल्ली। क्या आता है, अर्ध पारगम झिल्ली। अर्ध पारगम झिल्ली के केस में क्या होता है, अर्ध पारगम झिल्ली या फिर इसे हम पार्चमेंट झिल्ली भी कहते हैं, या फिर आप इसे जो है और किस नाम से, मतलब कृत्रिम रूप से अगर आप कॉपर फेरोसाइनाइड बना रहे हैं तो उसे भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या, इसे SPM भी कहते हैं जो है जनरली। तो इसके लिए क्या, अभी हमने इसके बारे में हम क्या जानते हैं, तो अर्धपारगम झिल्ली जो होता है वो वास्तव में विलेय और विलायक को अलग अलग कर देता है। यानी कि विलयन में विलेय को अलग कर देगा, विलायक को अलग कर देगा। कोलाइड विलयन में क्या होगा, निलंबन में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली से ये तेजी, विलयन जो होता है वो तेजी से क्या होता है, विसरित होता है, मतलब इसके विसरित होने की जो दर है वो तेज होती है। कोलाइड से क्या होता है, धीरे धीरे, कैसा करता है, धीरे धीरे विसरित होता है। और निलंबन से जो है विसरित नहीं होता।
कैसा होता है, विसरित नहीं होता है। ये बात हम जानेंगे कि कुल विलयन जो है तेजी, वास्तविक विलयन की बात हो रही है, विलयन में भी कई कैटेगरी हो सकते हैं, तो वास्तविक विलयन की बात हो रही है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, तो ये जो है तेजी से विसरित होगा, कोलाइड धीरे धीरे होगा, निलंबन जो है क्या होगा, स्पीड के साथ जो है विसरित होगा। अच्छा, अब हम ध्यान देखिए, 9:06 हो गए हैं। पहले तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस डाल देता हूँ और अटेंडेंस के बाद हम आगे की क्लास, क्योंकि मैं खुद भी भूल जाता हूँ, अटेंडेंस डालना, तो अटेंडेंस डाल के फिर हम आते हैं, इस टॉपिक को समझाते हैं आपके साथ। आज हम पढ़ाएंगे क्या, कोलाइड विलयन। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोलाइड कोलाइड लगा दिया है, और यहाँ से हम जा रहे हैं ग्रुप सेटिंग में, ऑल पार्टिसिपेट। देखिए, अगर आप लोग अगर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, इस तरीके से बच्चे रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। हर्षिता का पहला मैसेज, मुस्कान का दूसरा मैसेज, अमन कसौधन ने किया, सगुन ने किया, आप सब देख पा रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम जो है, हाँ, अर्धपारगम झिल्ली के बारे में मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अब आप लोग सोचते होंगे कि अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें हम ऊपर से विलयन टपकाएंगे तो विलय रह जाएगा, नीचे से विलयन गिर जाएगा। अगर आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का केस मान लेते हैं। ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है और इसमें हमने क्या डाल दिया, विलयन डाल। विलयन में कौन सा विलयन डाल दिया, मान लिया हमने पानी और चीनी को घोल दिया, और जो विलयन तैयार हुआ उसका स्वाद कैसा लगेगा, हमें डेफिनेटली मीठा लगेगा, तो उसी चीनी और पानी को हमने क्या डाला हुआ, यहाँ डाला। अब हम इंतजार कर रहे हैं, बहुत समय बाद यहाँ बाहर थोड़े थोड़े बूंद रिसने लगे, कैसे हो गए, बाहर बूंद जो है रिसाव आने लगा, फिर और समय बाद ये सारे बूंद एकत्रित हो गए यहाँ और बड़े बूंद का निर्माण किया, फिर और समय बाद ये बूंद टपका और इसमें आया, फिर और समय बाद 2-3 बूंद कर करके एक चम्मच भर का या एक कटोरी भर का हमने 8-10 घंटों में तैयार कर लिया, यानी इस तरीके से होता है। अब ये जो बूंद टपका है इसको हमने चखा तब हमें ये स्वादहीन लगा, यानी जल के टाइप का लगा, यानी जो विलयन जिसमें मीठापन भी था और जो है कैसा था, मीठापन भी था हमारा और कैसा था जो है जल भी भरा था, उसमें मीठापन नहीं बाहर जा पाया। मीठापन कौन था, चीनी था, मीठापन यानी चीनी, चीनी यानी बिले, तो बिले नहीं जा पाया और बिलायक यानी जल हमारा चला गया जो स्वादहीन था। इस तरीके से यानी धीरे धीरे रिसाव करके उत्पन्न होता है। ऐसा एज्यूम मत करने लगिएगा कि उछलनी की तरह अर्धपारगम झिल्ली होता है, ऊपर से अगर हम चीनी का विलयन टपकाएं तो नीचे से भर भर पानी गिर जाएगा और चीनी ऊपर रह जाएगा। बहुत लोग ऐसा सोचने लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बताया धीरे धीरे कई घंटों के पश्चात एक बूंद का निर्माण होता है, रिसाव उत्पन्न होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। ये बात आप कवर करके रखें। ये केस हो गया, तब हम तब कोलाइड के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, कोलाइड के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो कोलाइड का वर्गीकरण 3 टाइप से किया गया। पहला तो भौतिक परिस्थिति के आधार पर। अब भौतिक परिस्थिति के आधार पर कैसा किया गया, इसमें जो है इसके लिए हमने क्या बताया आपको, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था। तो इसमें जो है कई तरीके के हमने लिया, जैसे ठोस ले लिया तो ठोस का ठोस से मिला दिया, फिर ठोस लिया तो द्रव मिला दिया,
फिर ठोस लिया तो गैस मिला दिया, फिर द्रव लिया द्रव मिला दिया, द्रव लिया ठोस मिला दिया, द्रव लिया गैस मिला दिया, फिर गैस लिया ठोस मिला दिया, गैस लिया द्रव मिला दिया, और एक अंतिम बार इस तरीके से 8 प्रकार ही मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे 9 प्रकार मिलने चाहिए, लेकिन 9 प्रकार नहीं मिलेंगे, 8 प्रकार ही मिलेंगे। जो 9वां प्रकार होगा गैस का, गैस में ये कभी भी कोलाइड नहीं बनाता, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आपके पास क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं हो सकता, जिसमें ठोस में ठोस, द्रव में द्रव, गैस में गैस और गैस में ठोस, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको गैस में गैस का ऑप्शन जो है मिटा देना, मतलब लगा देना है, क्योंकि यही कोलाइड हमारा नहीं बना सकता। ये आप बात अच्छे से समझ रहे हैं। इसके बाद हम देखिए, ये तो हो गई भौतिक परिस्थिति के आधार पर 8 प्रकार। दूसरा होता है जो है हमारा कणों के आकार पर, कणों के आकार पर, कणों के आकार पर कैसा होता है, कणों के आकार पर। जैसे ये 3 प्रकार के सामने, इसमें आ गए हमारे 8 प्रकार, इसमें आएगा 3 प्रकार। 3 प्रकार में कौन सा, एक तो बहु अणुक आएगा, एक बृहद अणुक आएगा, और एक आएगा, जैसे कितने कैटेगरी हम बता सकते हैं, जैसे छोटे छोटे कणों को एकत्रित करके बड़े कण में बदल लेना, एक प्रकार ये हो जाएगा। दूसरा प्रकार जो बड़े आकार के कण ऑलरेडी होंगे वो हो जाएगा दूसरा। और तीसरा, जैसे बड़े बड़े आकार के कणों से जब छोटे छोटे आकार के कणों को प्राप्त करके हम जो है कोलाइड में परिवर्तित करते हैं, तो कणों के आधार पर ये कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। तीसरा आता है घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर ये कितने प्रकार का हो, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो जो आसानी से घुल जाए, यानी जल के संपर्क में हमने कोलाइड को डाला तो आसानी से हम घुमाया फिराया तो क्या हो गया, घुल गया। अगर वो घुल गया तो समझ लीजिए वो कैसा है, द्रव स्नेही कोलाइड है, यानी द्रव रागी कोलाइड है, यानी कि जल रागी कोलाइड है। इसको द्रव रागी, जल रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कह सकते हैं। लेकिन जो आसानी से नहीं घुलता है या जो नहीं घुलता है उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं, यानी कि क्या हम कह सकते हैं, जल विरागी कोलाइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके हो गए इतने प्रकार कोलाइड का वर्गीकरण। अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं कि कोलाइड के बनाने की विधि, क्या पढ़ते हैं, बनाने की विधि। तो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, एक तो 2 टाइप का प्रकार हम बना सकते हैं, एक जिसमें छोटे कणों को क्या कर दिया जाए, एकत्रित करके बड़े कण में बना लिया जाए, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में उसका रेंज ला दिया जाए, एक प्रकार ये हो जाएगा। और दूसरा होगा बड़े आकार के कणों को तोड़ तोड़ के छोटे आकार में इतना परिवर्तित कर लिया जाए कि उनका रेंज कितना हो जाए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो जाए। तो ये तो हो गया इसके बनाने की विधि। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं कि शुद्धिकरण, क्या पढ़ते हैं, शुद्धिकरण। भाई बन तो गया है लेकिन उसको उसका शोधन कैसे किया जाए, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, तो उसमें अलग अलग हम प्रकार पढ़ते हैं, जैसे अपोहन पढ़ते हैं, जैसे विद्युत अपोहन पढ़ते हैं, जैसे फिल्टरन पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकार। अपोहन क्या है कि भाई अगर जैसे हमने कहा कि अर्धपारगम झिल्ली है और उसमें अगर वास्तविक विलयन हमने जैसी मतलब छोटे छोटे कणों के आकार की अशुद्धियां रखी है तो हम उसको अर्धपारगम झिल्ली में रख देंगे तो वास्तविक विलयन वाले जल्दी बाहर निकल जाएंगे, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएंगी, और कोलाइड विलयन तो अंदर ही रह जाएगा, ये अपोहन है। वैद्युत अपोहन जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक अशुद्धियां उत्पन्न होंगी उसे वैद्युत अपोहन से क्लियर करेंगे, फिल्टरन तो फिल्टरन ही होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं गुण के बारे में, कोलाइड का गुण, जिसमें पहला हम पढ़ते हैं ब्राउनी गति के बारे में। ब्राउनी गति वही जिसे आप समझ रहे होंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति, धुएं की गति, कहीं पे भी जिगजैग मोशन में गति करना। दूसरा हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके जो है वैद्युत कण संचलन के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत कण संचलन, यानी कि जैसा
कोलाइड होगा, कोलाइड धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, तो वो धनात्मक है तो ऋणात्मक की तरफ आकर्षित होगा और ऋणात्मक है तो धनात्मक की तरफ आकर्षित होगा, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे जो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कैसा कि अगर सीधी रेखा में जाने वाले प्रकाश को अगर कोलाइड विलयन से गुजारा जाए तो उसके मार्ग विचलित हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से विचलित होते हैं जैसे लगता है कि क्या बन गया, शंकु का आकार बन गया, तो इस प्रभाव का हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो है स्कंदन पढ़ते हैं, स्कंदन यानी कि अवक्षेपण, मतलब वैद्युत अवघट मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, जिससे हम जिसके मान को उड़न मान करके पढ़ते हैं, उड़न मान, इसी में इसके मान को क्या पढ़ते हैं, उड़न मान पढ़ते हैं। और अंतिम आता है हमारा रक्षण, रक्षण हम पढ़ते हैं कि भाई उसको अवक्षेपित होने के लिए रोकने से हम ऐसा क्या करें कि वो जो है रुक जाए, उसी को रक्षण कहेंगे। और इसमें जो मान आता है उसे हम स्वर्ण मान या फिर गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहते हैं, यानी इसके मान को उड़न मान कहते हैं और रक्षण में जो प्रयुक्त होता है उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। ये टॉपिक अगर हमने पढ़ लिया तो अब हम पढ़ेंगे कोलाइड के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, कोलाइड के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी इसके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज आते हैं, किस किस काम में आता है, कैसे कैसे आता है। ये अनुप्रयोग पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे इमल्सन के बारे में यानी पायस के बारे में, फिर पढ़ेंगे साबुन के बारे में यानी पायसीकरण पढ़ेंगे, साबुनीकरण पढ़ेंगे और कुछ और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो इतनी सारी डिटेल थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए, बार बार देखिए। और आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।